आप भी अपनी नौटंकियां बंद करो, देश की सरकार के पक्ष में बोलना बंद करो। सरकार के तलवे चाटने वाले खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा, ये भाषा वहीं से सीख रहे हैं आप, भाषा का संयम रखिए। न्यूज 18 का पिताजी कौन है, बोलिए इसके कहां बताएं कब हट रहे हैं हम। जिस दिन कानून वापस ले लिए जाएंगे, एमएसपी पर कानून बन जाएगा, उस दिन देश का किसान अपने घर चला जाएगा। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े, हमने ना रोड पे बैठना अच्छा लगता अमन जी, ना तो हमको रोड पे बैठना अच्छा लगता। जो नौटंकी आप ये बता रहे हो, आप भी अपनी नौटंकियां बंद करो, देश की सरकार के पक्ष में बोलना बंद करो। आपको मिल रहा होगा, आपको एड मिल रही होंगी, इसलिए आप कहते हो कि नौटंकी है। देश के किसान ने कहा था आपसे कि आप ये कानून लेकर के आइए, कौन सा वो संगठन था जिसने तो कहा कि आप कानून लाइए? किसान कहना बंद करिए, कानून के नाम पर खटाना जी, किसान कहना बंद करिए। ये सिंघू को सीरिया बना दिया, किसानों ने नहीं बनाया। आप जो गुंडा का हाथ पैर काट कर लटका दिया किसानों ने, इनको किसान मत कहिए, किसानों का अपमान मत करिए, ये गुंडे किसान नहीं। देखिए किसान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, किसानों का अपमान आप नहीं करेंगे खटाना जी। जिन्होंने सिंघू को सीरिया बनाया वो किसान नहीं है, जिन्होंने रेप करी वो किसान नहीं है, जिन्होंने जिंदा जलाया वो किसान नहीं है, नहीं गलत है। खटाना जी किसानों के खिलाफ मत बोलिए, मैं आपको पूरा मंच दूंगा, किसानों के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा, बोलिए आप। सरकार के तलवे चाटने वाले, सर खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा, गुंडे ही बोलते हैं, खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा, ये भाषा का मर्यादा रखिए खटाना जी। मैं सम्मान से बात कर रहा हूँ आपसे, तलवे चाटना ये भाषा वहीं से, मेरे ख्याल से आप अभी बॉर्डर में वहीं से भाषा सीख रहे हैं आप, ये भाषा तलवे चाटना वाटना ये भाषा वहीं से सीख रहे हैं आप, भाषा का संयम रखिए। खालिस्तानियों के तलवे नहीं चाट रहा यहाँ पर बैठकर, भिंडरा वाले के तलवे नहीं चाट रहा वहाँ पर बैठकर मैं, इसलिए आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए खटाना जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गुंडा कहोगे, अमन चोपड़ा नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, किसान को गुंडा कहोगे क्या? आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए खटाना जी, नहीं गलत। जो हाथ पैर काट के लटका दे वो किसान नहीं, जो जिंदा जलाकर मार दे वो किसान नहीं, जो रेप करे वो किसान नहीं, खटाना गलत खटाना, पवन खटाना गलत बोल रहे हैं आप। देखिए मैं किसान के खिलाफ नहीं सुनूंगा एक शब्द, नहीं पवन खटाना आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है लेकिन किसानों के खिलाफ मत बोलिएगा, मैं अलाउ गलत। पवन जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है आप, सुप्रीम कोर्ट कह रहे सड़कों की सफाई होनी चाहिए, आप जैसे बोलिए आप बोलेंगे क्या हैं जी? नहीं आप पढ़े लिखे हो इसी तरीका से गुंडा बोलोगे आप जी भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहे सड़कों की सफाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए आप, संविधान से बड़े हो गए आप, गुंडा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या या सिंघू? अरे सिंघू पर क्या हुआ था, सिंघू पर क्या हुआ, टीकरी पर क्या हुआ, ये गुंडागर्दी तो हो रही है, चलिए मैं बोल रहा हूँ गुंडागर्दी हो रही है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने, ताला लगा दिया ना कोयले को, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, मजाक बना रखा है आप लोगों ने, लॉ एंड ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है। इनका पिताजी कौन है, न्यूज 18 का पिताजी क्या क्या कह रहे हैं पवन, न्यूज 18 का पिताजी कौन है बोलिए, इसके कहां जा आप बोलिए, न्यूज 18 का पिताजी कौन है पवन खटाना, अमन चोपड़ा जी इसके कौन से पिताजी पर आप जा रहे हैं, लेकिन पवन खटाना आपके पिताजी पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, भाषा का संयम रखिए, बौखलाइए नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सड़कों की सफाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिंघू को सीरिया आप लोगों ने बना दिया ये मैंने बोला है, टीकरी में जिंदा जला दिया ये मैंने बोला है, ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा ये मैंने बोला है, गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं ये मैंने बोला है, एक मिनट सुनिए आप भाषा 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 ठीक रखिएगा, गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिए वहाँ करिए जाकर, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं अलाउ करूंगा, ये गुंडागर्दी वहाँ करिए आप, सर्टिफिकेट हाँ गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिएगा वहाँ करिए जाकर, गुंडा आप में हिम्मत है तो कह दो गृह राज्य मंत्री के लिए गुंडा, मैं मान जाऊंगा आपको, जिन्होंने चार को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए, जिन्होंने चार को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए, जिन्होंने सिंघू को सीरिया बनाया वो गुंडे आप कह दीजिए, जिन्होंने जिंदा जला दिया टीकरी पर वो गुंडे आप कह दीजिए, पवन खटाना फायदा नहीं है, नहीं आप बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता एक बार टॉपिक पर आते हैं, सुनिए सुनिए पवन खटाना, सुनिए सुनिए गृह राज्य मंत्री को गुंडा बोल दो, पवन खटाना सुनिए, पवन खटाना राज्य मंत्री के बेटे को गुंडा बोल दो, पवन खटाना चलिए हो गया, हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनिए मेरी बात, एक बार आराम से बात सुनिए, पवन खटाना सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, पवन खटाना सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए, मेरी बात सुनिए आराम से, मेरी बात सुनिए पवन खटाना, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी भी तरह का विरोध कीजिए लेकिन इस तरह सड़क नहीं रोक सकते आप, कानून पहले से तय है, हमको बार बार क्यों बताना होगा, सड़कें साफ होनी चाहिए,
पवन खटाना जी, सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। बोलिए आप, सुनो मेरी बात। हम अभी भी कह रहे हैं भाई, बैरिगेटिंग जो लगा रखे हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं, आप खुलवाइए। क्या हम नहीं जा सकते दिल्ली? रामलीला ग्राउंड में, अगर रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन करता है तो देश का किसान नहीं कर सकता? रामलीला ग्राउंड में रामदेव आंदोलन करते हैं तो देश का किसान नहीं कर सकता? देश के किसान को रामलीला ग्राउंड नहीं मिल सकता क्या? जंतर मंतर नहीं मिल सकता क्या? हमने नहीं रोक रखे, रास्ते रोक रखे हैं सरकार ने, गड्ढे खोदे हैं सरकार ने, रोड काटे हैं सरकार ने, कटीले तार लगाए सरकार ने, नुकीले तार लगाए सरकार ने, हमने नहीं रोके। हम तो जाना चाहते हैं, हमें जाने दो ना। टेंट लगे हैं,